हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी बच्चों। इस वीडियो में मैं आपको कक्षा 5 के प्रीवियस अध्ययन की पाठ्य पुस्तक का पाठ 1 मेरी सुनो अपने कहो के कुछ क्वेश्चन आंसर्स रिवाइज करवाऊंगी, ठीक है, हल करवाऊंगी। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, लोगों को किस कारण अपना घर छोड़कर दूसरे स्थानों पर जाना पड़ता है। फर्स्ट ऑप्शन है काम की तलाश में, बाढ़ के कारण, सरकार द्वारा रेल कारखानों के लिए भूमि अधिकृत करने के कारण, या उपरोक्त सभी। तो बच्चों, लोगों को अपना घर छोड़कर इन सभी कारण से जाना पड़ सकता है, ठीक है। तो हमारा आंसर होगा घर, उपरोक्त सभी, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, एक समुदाय जो हमेशा एक स्थान से दूसरे स्थान पर, एक गाँव से दूसरे गाँव में घूमते रहते हैं, उन्हें घुमंतु या गड्ढा लुहार कहते हैं, ठीक है। ये मुख्यतः चीज़ें बनाते हैं या औजार बनाते हैं, किस चीज़ के, तांबे के, लोहे के, तांबे के, लकड़ी के या एल्यूमिनियम के। तो गड्ढा लुहार जो है वो लोहे के बर्तन बनाते, लोहे के औजार बनाते हैं, लोहे की चीज़ें बनाते हैं, है ना, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, गड्ढा लुहार मूल रूप से राज्य से संबंध रखते हैं, किस राज्य से, उत्तर प्रदेश, पंजाब, राजस्थान या हरियाणा। तो आपने इस चैप्टर में पढ़ा था ना, गड्ढा लुहार कहाँ के थे, कहाँ से संबंध रखते थे, ग ऑप्शन यानी के इसका राजस्थान हमारा आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, जैसे हमारी भाषा हिंदी है, वैसे ही आपके पापा अगर सैनिक हैं या रेलवे विभाग में है, जो अपने अनेक राज्यों जो आप तो आपको अनेक राज्यों में जाना पड़ता है। अगर आप पंजाब जाते हैं तो पंजाबी, गुजरात जाते हैं तो गुजराती सीख सकते हो। अगर आपको आपके पापा के साथ महाराष्ट्र जाना पड़े तो आप कौन सी भाषा सीखेंगे, महाराष्ट्र में कौन सी भाषा बोली जाती है, तमिल जी नहीं, बंगाली नहीं, मराठी हमारा राइट ऑप्शन होगा, तेलुगु भी नहीं है, ठीक है। तो हम वहाँ पे कौन सी भाषा सीखेंगे, मराठी। अगला क्वेश्चन है, घुमंतु जाति के लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमते रहते थे, आज बहुत कम घुमंतु देखने को मिलते हैं, जैसे लोहार, सांसी, बंजारे, अब ये लोग कहाँ गए, चले गए हैं। हमारा क ऑप्शन है, सरकार ने इनको बसा दिया है, इन्होंने अपना स्थायी धंधा छोड़ दिया है, या अब ये अन्य काम धंधे करते हैं, तो या उपरोक्त सभी। तो बच्चों, इसमें ये सभी हमारे राइट ऑप्शन है, ठीक है। इसमें से कुछ भी, मतलब इनमें से सभी काम हो सकते हैं, यानी सरकार ने इनको बसा दिया है या इन्होंने अपना स्थायी धंधा छोड़ दिया है, इन वजह से ये आजकल बहुत ही कम दिखाई देते हैं। तो राइट ऑप्शन होगा हमारा घर, ये सभी। अगला क्वेश्चन है 6 नंबर पे, अहमद कैसे घर में रहता है, पक्के घर में, कच्चे घर में, झुग्गी में, या इन समय को इनमें से कोई नहीं। तो अहमद झुग्गी में रहता है। अगला क्वेश्चन है, अहमद के दादा दादी कहाँ रहते हैं, शहर में, गांव में, बस्ती में या कस्बा में। तो अहमद के दादा दादी गांव में रहते हैं, ये हमारा राइट ऑप्शन होगा। अगला क्वेश्चन है, बरसात के दिनों में जब ईंट पथाई का काम नहीं होता है, तब अहमद के माता पिता क्या काम करते हैं, ऑफिस में, स्कूल में, मजदूरी या फिर घर पर। तो उस टाइम पे बच्चों, अहमद के पापा माता पिता क्या करते हैं, मजदूरी करते हैं। तो हमारा इसका राइट ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है, अहमद को कहाँ रहना पसंद है, शहर में, गांव में, कस्बा में, या इनमें से कोई नहीं। तो अहमद को गांव में रहना पसंद है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, काजल कौन है, काजल विद्यार्थी है, मजदूर है, गड़िया लुहार है, या वक्ता। तो आप इसका हमारा ऑप्शन ग राइट है, गड़िया लुहार, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, हाँ जी, ये हमारे 10 क्वेश्चन थे, यहाँ पे समाप्त हुए, धन्यवाद।